अखिल भारतीय विद्युत मजदूर संघ की बैठक नालागढ़ में आयोजित की गई, जिसमें संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हेमंत तिवारी मुख्य रूप से उपस्थित हुए। दो दिवसीय बैठक में विद्युत सुधार अधिनियम बिल 2014 के विरोध का निर्णय लिया गया। इस मौके पर संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हेमंत तिवारी ने कहा कि विद्युत जैसे उद्योग को आउटसोर्स कर्मियों के भरोसे छोड़ना चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि आगामी दिनों में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह के साथ प्रस्तावित बैठक में ये मामला रखा जाएगा। हम राष्ट्र के अंदर होने वाले विद्युत के क्षेत्र में होने वाली विभिन्न गतिविधियों के ऊपर चर्चा करते हैं, और अभी की जो महत्वपूर्ण हमने चर्चा करी है वो विद्युत विधेयक बिल 2014 जो कि सदन के पटल पे आने वाला है। इस बिल के संदर्भ में हमने पहले माननीय जो पूर्व ऊर्जा मंत्री थे पीयूष गोयल जी, उनसे भी चर्चा करी थी, और चर्चा करने के पश्चात हमने कई पहलू उनके सामने रखे थे कि इस बिल के आने के बाद में क्या क्या विसंगति आने वाली, क्या क्या कमी आने वाली है। और दूसरा बिल 2003, इसके संदर्भ में भी हमने माननीय ऊर्जा मंत्री के समक्ष रखा था कि जो बिल 2003 प्रस्तुत किया गया था ये किन भावनाओं को लेकर किया गया था। इसका उद्देश्य ये था कि एरियर की राशि को कम करना, लाइन लॉस कम करना, ADP लॉस को कम करना, किंतु इस सब में बढ़ोतरी हुई। और इसके बाद जो कंपनियां बनाई गई, कंपनियों की स्थिति आज बड़ी बेहतर स्थिति में चल रही, घाटे की स्थिति में चल रही है, और घाटे के साथ साथ में इसमें कर्मचारियों का शोषण हो रहा है, ठेकेदारी हो रही है, दलाली हो रही है, और बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं वो इसकी आड़ में इसका शोषण कर रहे हैं। और विद्युत की स्थिति जो पहले बोर्ड हुआ करता था, उस बोर्ड के समय काफ़ी अच्छी होती थी, आज ये जो कंपनियां बनी इसमें घाटे की स्थिति में जा रही है। सिटी चैनल के लिए नालागढ़ से आदित्य चड्डा की रिपोर्ट।